चंद्रशेखर भाई जिस दिन उनका जो कार्यक्रम लगेगा जो धरती पाएंगे लगता है। छत्तीसगढ़ हमने आए हैं आपके यहाँ पर कमेटी आपका जो रूपरेखा बताने के लिए कैसे कमेटी बनेगी और हमने आपका लगभग और दो तीन जिला और जाएंगे डिस्ट्रिक्ट भी जाएंगे। ज़्यादा करके राजनीतिक पार्टियाँ हल्के में लेती हैं, कहते हैं बहुजन समाज पार्टी के ही लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के ही काम कर रहे हैं, उन्हीं का संगठन है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? लोकार्थक रहते जी, लोकार्थक तो लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के लिए काम हो रही है तो लोग मान लीजिए सही भी है। आज बता रहे कि ये लोग ने मनवादियों को जो आपका जो संगठन जो बनी है बाप सेना माई सेना बाप से आपका शिवसेना बजरंग दल उनको भी आपका भीम आर्मी बनी उनको चिल्ला के शुरू होगी। अच्छा मतलब हाँ संगठन यहाँ पे भी होना चाहिए है ना, तो हमारे भी आपका संगठन होना चाहिए। तो भीम आर्मी जो बनी है जुल्म अत्याचार किया पूरे देश में बहुजन समाज पर मनवादी समाज के द्वारा जुल्म अत्याचार चरम सीमा पर। अब मनवादी समाज का बंसा है कि तमाम बहुजन समाज की में जो महापुरुष के इतिहास को मिटा दे ताकि बहुजन समाज को लोग न जान सके अपने महापुरुषों के इतिहास को। बाकी चंद्रशेखर भाई इतिहास को मिटाने नहीं देंगे, बहुजन समाज को लोग अपने मिट जाएंगे बाकी इतिहास को महापुरुषों को मिटाने नहीं देंगे ना हम लोग मिटने देंगे। कानून है व्यवस्था है भारत देश में सब है लेकिन उसके पैरेलल आर्मी बनाने की आवश्यकता भी आप जानते हैं कि भीम आर्मी जो है जैसे आपका जो आर्मी आपका देश के लिए रक्षा करती है तो भीम आर्मी इसलिए चंद्रशेखर भाई बनाए हैं कि 85% बहुजन समाज को रक्षा के लिए आर्मी बनाए और जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए बनाए। हम जुल्म करेंगे ना जुल्म सही। धन्यवाद।